लेकिन एज एन एथलीट अगर हम बात करें तो इंडिया में क्रिकेट की जब बात करते हैं तो क्रिकेट को लेकर जो नॉन क्रिकेटिंग एथलीट्स हैं उनके दो परसेप्शन है, इधर दे लव क्रिकेट और दे यूज टू हेट क्रिकेट बिकॉज ऑफ सारा स्टार्डम क्रिकेट की तरफ जाता है। आपका क्रिकेट को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि भाई क्रिकेट इंडिया में सबसे बड़ा गेम है नो डाउट। सर ऑनेस्टली मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, क्योंकि जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है ना, जैसे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उस उन पे और भी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो एज एथलीट्स ऑल्सो आई थिंक वो ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप हारे हैं तो कितने बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो जाते हैं, थ्रेट्स तक आती हैं, फैमिली के लिए थ्रेट्स तक आती हैं, और जब जीतते हैं तो भी मतलब एक्सट्रीम। तो उस तरीके का क्रिकेट में आई थिंक कोई कंपैरिजन है ही नहीं, जब तक जिस तरीके का वो अप्रोच रहेगा लोगों का। तो और मेरा अप्रोच बहुत ही न्यूट्रल रहता है, आई रियली अप्रिशिएट जो भी वो लोग करते हैं, इट्स आई मीन कमेंडेबल। बट यू लव क्रिकेट? मेरा ऐसे कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, बट द जर्नी, उन जो लोगों की जर्नी रही है वो बहुत ही अच्छी रही है। किसी का भी देख लो, मतलब बहुत लंबे करियर्स भी हमने देखे हैं, जैसे सचिन सर, धोनी सर, विराट सर, इन सब के करियर्स भी बहुत लंबे रहे हैं, और मतलब कितनी फैंटास्टिक रही है इनकी जर्नी। इनकी लाइफ से भी बहुत लोग मोटिवेशन लेते हैं अपनी, उनके इंस्पिरेशन है, आइडल्स हैं, मैं भी बहुत बार इंस्पिरेशन लेती हूँ जी। फेवरेट कोई आपका क्रिकेटर? ऐसे कोई फेवरेट नहीं है, पर बहुत मैं भी बहुत देखती हूँ क्रिकेट, ऑल दो जब टाइम मिलता नहीं है, ट्रेनिंग वगैरह में इतने बिजी रहते हैं, तो कभी कभार जब मिलता है तो देख लेते हैं।